गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और बस सहरी का टाइम हो गया है तो बस चलते हैं। उठ के पूरी रात वैसे भी नींद नहीं आई है, और अब सहरी का टाइम हो गया, पूरी रात जगते हैं तो इस टाइम नींद नहीं आती। चलिए उठते हैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाह। अम्मी, ओपन द डोर। अम्मी अम्मी, दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती हैं। इसी चला था तो बाहर हवा जा रही थी। तो बस अभी हमारा सहरी का टाइम हो गया था, तो हम सहरी के जो चिकन हमने रात में बनाई थी इसकी रेसिपी आपको पहले ही मिल जाएगी। तो ये चिकन था साथ में, बहुत ही ख़तरनाक वाली सहरी थी आज की हमारी। तो बस फटाफट से हम चिकन बना लेंगे क्योंकि टाइम लगेगा। तो बस 3:15 बजे मैंने तेल ऑन कर दिया था और मैरिनेट करके वही मैदा से डिप करके बार बार डाल के फटाफट से कर लिया था। और ज़रा हमारा ब्रेड का कस्टर्ड भी रखा है और हमारी रोटियाँ मक्खन लगी रखी हैं। और उसकी और क्या था, थोड़ा टमाटर की चटनी। और मेरा छन्ना ही ये बिल्कुल टूट गया है कल, हमने उस दिन तो बहुत ज़्यादा टूट गया। और अब लॉकडाउन चल रहा है, जुमेरात को इंशाल्लाह खुलेगा तो थोड़ा छन्ना ले आएंगे। और फिर हमने बनाई थी टमाटर की चटनी जो हम बना के स्टोर कर लेते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। तो बस चलते हैं कमरे में, सहरी करते हैं चल के। और कुछ इंतज़ाम तो बस ये हमारी सहरी हो रही है। और जो हमने KFC चिकन बनाया था वो उसकी रेसिपी मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। और जब तक ये वीडियो जाएगी जब तक उसकी KFC चिकन की रेसिपी आपको मिल चुकी होगी। और रात के अलग कलर थे, सुबह में अलग कलर हो गए, सुबह वाले हमने ज़्यादा फ्राई कर दिए हैं। चलिए कमियाँ और ये हमारी ख़तरनाक टमाटर की चटनी। और ये है ब्रेड कस्टर्ड जो कि इफ्तार में उन्होंने खाया नहीं था, तो भी खा लेंगे। अच्छा है, हमारी चढ़ी भी है, अपनी रोटी खाई हम। तो चलिए मिलते हैं आपसे सैरी करने के बाद। यहाँ भी हमारी चाय, लाजवाब सी। मैं चाय पीती नहीं हूँ लेकिन आज ये रोटी का स्वाद करने के लिए चाय पीना पड़ेगा। और ये हमारा कस्टर्ड है, अभी रुक के खाएंगे, 10 मिनट रह गए हैं, 10 से 15 मिनट तो अभी खा लेते हैं, उसके बाद वो खाएंगे। चलिए तो बस ये आई थी हमारी बिरयानी पक्के, तो 5 KG की हमने बनवाई थी बाहर से क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में बहुत मुसीबत से बन के चली आई थी लेकिन बहुत अच्छे से, सारी दुकानें वकानें बंद थी लेकिन मेरी बिरयानी बहुत अच्छे से बन के आ गई थी। तो हमने सोचा लॉकडाउन है तो कोई आएगा जाएगा है नहीं, और इस टाइम इन्फेक्शन भी बहुत चल रहा है, तो सब्जी के पैकिंग करके सब्जी के बंटवा दें। तो बस बहुत से लोगों के पहुँच भी नहीं पाई थी, इतने पैकेट्स बने थे, सारे पैकेट्स बढ़ गए थे। और उसमें हमने खजूर के पैकिंग्स बना लिए थे एलुमिनियम फॉइल में, आपने लपेट के देखा होगा। और मिलिए तुराब भाई से। कोरोना बहुत और सारे प्रिकॉशंस लेते रहिएगा। हाँ वेरी गुड, सही से बैठो। और क्या, रोजा रखिएगा और हमको दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी बड़ी अम्मी के चैनल को सपोर्ट करिएगा, क्लिक करिएगा और लाइक करिएगा। वाह, आप नहीं समझे तो सुन लीजिए एक बार फिर से। अगर ये आप हमारे चैनल बनाने में तो बहुत टाइम लगा है लेकिन आपको ये थम्स अप करने में तो एक भी मिनट नहीं लगेगा, ये इसका मतलब कहने का ये है। एक बार और कह के बताओ जरा। वाह, तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे वीडियो बनाने में तो 2-3 मिनट लगे लेकिन लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल, हिट द बेल आइकॉन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। और बस ये बैठे हैं रोज़ा खोलने के लिए। आज तो राफ का रोज़ा है, आज तीसरा चौथा रोज़ा शायद रखा है तो आपने, तो माशाल्लाह कहिएगा। तो बस हम लोग कज़िन लोग सब मिलकर रोज़ा खोलेंगे। और ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और मेरे चैनल के बारे में कुछ कहो। सलाम।
है, शर्म आ रही है। ये बेटा लॉयर का मतलब क्या बेटा, तुम तो बस इनको तो अर्दगुल गाजी वाली बातें करने को दे दो। आपकी बब्बर से लॉयर की पूरी कहानी सुना तुमको है। अर्दगुल वाली सुनाओ, अर्दगुल वाली। अर्दगुल की वो ना सुना दो सबको, मेरे चैनल वालों को सास अर्दगुल की नात। कायरी से बैठ के सुनाइए। हाँ तो सुनाइए जल्दी जल्दी। हाँ करिए अच्छे से एक्टिंग को। कस के बेटा लसीस बिरयानी जी। नहीं बदतमीजी नहीं।